सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? भाई आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, माइनक्राफ्ट के एडवेंचर्स के पार्ट 4 में। सो गाइस, इस वीडियो में मुझे कुछ टाइम पहले मतलब 2 डेजर्ट टेंपल्स मिले थे। आज हम उन दोनों डेजर्ट टेंपल के पास जाने वाले हैं और चेक करने वाले हैं उनके अंदर क्या क्या लूट मिलती है। और गाइस, मेरे को तो बिल्कुल लगता है कि कुछ ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है। असिस्टेंट, हाँ तो ये मेरा असिस्टेंट, ये भी साथ में ही जाएगा क्योंकि ये नूब है। सो गाइस चलो सामान लेते हैं और चलते हैं। सो गाइस जल्दी से सामान ले लेते हैं, हमें तो चाहिए। सो गाइस जो जो हमें सामान चाहिए हम सब ले लेते हैं। सबसे पहले तो भाई खाना बहुत चाहिए, सबसे पहले तो गाइस खाना चाहिए होगा क्योंकि खाने की बहुत भूख लगी रहती है। मांसाहारी हैं हम लोग, खाना ऐसे ही खाते हैं। कोबस्टोन चाहिए होंगे हमें काफ़ी सारे क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है यार। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। एक क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेते हैं। ओके, यहाँ से हम अपने आर्मर्स उठा लेते हैं। ये जो आवाज़ लगती है ना, ये आर्मर की सेट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग आवाज़ है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। ओके, हमारे पास काफ़ी सारा सामान हम ले चुके हैं। वो ले लेते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं। असिस्टेंट सामान ले ले जल्दी से अपना, क्या चुरा रहा है? आयरन चोरी करके भागेगा? कर ले बेटा कर ले। अरे गलत रूम में घुस जाता हूँ, सो जा मेरे चले। गाइस ये सोता नहीं है यार, मैं ये मरेगा आज मेरे हाथों से, इसकी जिंदगी छोटी है बहुत। मैं इस पे दया कर देता हूँ लेकिन ये बंदा कभी सुधरता ही नहीं। ओके चलते हैं जल्दी से। सो गाइस सबसे पहले हम जाते हैं घर के पास वाले पे, क्योंकि यार ये दिखता है यहीं पे आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ये। कुछ इस तरफ है। एक सेकंड, हमने पूरे में फैंस लगा दिए हैं और टॉर्च लगा दिए हैं क्योंकि यार मॉब स्पॉन ना हो और बाहर से मॉब अंदर ना आए, तो बीच बीच में फैंस के गेट लगा हुआ है। ओके, ये आपको दिख रहा है डेजर्ट टेम्पल कुछ वहाँ पर। ओके तो चलो यार जल्दी से चलते हैं। ओके तो गाइस देखो, जब भी डेजर्ट टेम्पल में जाओ तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना यार, यहाँ पे आसपास में ऊपर कुछ नहीं होता, ये तो बीच वाली जो जगह है यहाँ पे होता है मेन सामान देखो। और वहाँ पे प्रेशर प्लेट पे गलती से भी नहीं कूदना क्योंकि प्रेशर प्लेट के नीचे लगे होते हैं TNT, जो कि हमको वो भी चाहिए। सो गाइस यहाँ पे लगे हैं TNT, हम ले लेते हैं सारे के सारे। यार ये कौन सी जगह पे आ गया मैं, उल्टा चलते हैं। सो गाइस अब हम देखेंगे चेस्ट में क्या है। ट्रेजर चेस्ट गोल्ड, इट्स ओके। दूसरी चेस्ट में क्या है, एमरल्ड मिलेगा इस थोड़े से, लेकिन ये भी कुछ इतना बढ़िया सामान नहीं है। गाइस इसमें भी थोड़े गोल्ड मिला, गन पाउडर मिला और हड्डियाँ मिली। बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स और नॉकबैक 1, ओके। और ये और एक गोल्ड आर्मर और ये और ये।
गाइज हमें काफ़ी सामान मिला है यहाँ पे। अब हम जाएंगे अपने सेकंड वाले पे, बोट साइड एट बोट कहीं का बोट ही हो रहा है पूरा। तो चलो ऊपर चलते हैं जल्दी से। और हमारे पास नो TNT यहाँ पे हमें मिल चुके हैं और काफ़ी सारा सामान भी मिल चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जो दूसरा वाला जो होगा अभी उस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा सामान मिल जाएगा भाई। नहीं तो सुधरेगा नहीं है भाई, बंदा चेला है, चेला बन के रहता ही नहीं। वो चेले टिक दिए। ओके तो यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता। सो गाइस पहला वाला तो हम लूट चुके हैं ये, और ये कुछ ऐसा था, ये ऊपर से गाइस पता भी नहीं चलेगा, कोई यहाँ से गुजरेगा तो उसको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा भाई यहाँ पे कुछ था भी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम ये देखो गाइस हमारा दूर से घर देखने पे कैसा लगता है, सही सीनरी है कि नहीं। अगर भाई देखो ये सीनरी बढ़िया लग रही है ना तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे शुगर केन बहुत सारे हैं, मैं ध्यान नहीं दिया अभी तक। शुगर केन मैं बाद में तोड़ के लेके जाऊँगा सारे के सारे, एक भी शुगर केन नहीं रहते हैं यहाँ पे। जब तक आगे चलते हैं। ओके आगे चलते हैं, आगे भाग भाग भाग। गाइस जो अगला वाला है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 200 ब्लॉक्स के आसपास है वो दूर, बस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा अभी। कुछ इसी डायरेक्शन में था। वो रहा गाइस, वो आपको जो दिख रहा है वहाँ पे वो वाला वही है हमारा नेक्स्ट टेंपल, डेजर्ट टेंपल। क्योंकि गाइस हमें वो वैसा वाला जो टेंपल मिलने से रहा, अभी मिलेगा जरूर पर अभी नहीं मिलने वाला मेरे हिसाब से। तो चलो चलते हैं, अभी चेकआउट करते हैं उसके अंदर क्या है। भाज 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 गाइस यहाँ पे हम इसके पास भी पहुँच चुके हैं। गाइस इसमें कुछ नहीं होता, बस नीचे बस वहीं पे सामान होता है और कहीं सामान नहीं होता। ठीक है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है सेम एज पहले जैसा। ओके हमें प्रेशर प्लेट पे नहीं कूदना था बस, जो कि हम नहीं कूदे। मेरे पास अभी टॉर्चेस तो नहीं है बट कोई बात नहीं, हम चेस्ट में देखेंगे। गाइस 3 डायमंड्स मिल चुके हैं हमें, जो कि एक तरह से बहुत बड़ा खजाना है हम जैसे लोगों के लिए जो कि नूब होते हैं। सैडल मिल गया गाइस, गन पाउडर तो वैसे भी बहुत मिलता है यार। ओके इसमें देखते हैं, इसमें हमें गोल्ड मिला है, थोड़ा ये मिला है, थोड़ा ये मिला है, और आयरन हमें मिला गाइस। ये बात इम्पोर्टेंट है, गन पाउडर ये वो ऐसे वो। इसमें देखते हैं, इसमें गाइस कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं मिला। एक दो एक सेकंड, दो तीन चार। ओके हम चारों की चारों चेक कर चुके हैं, इसमें एक सैडल और थी। ओके सो गाइस हमें टोटली इतना सामान मिला है, अभी हम घर पे देख जाते हैं उसके बाद हम सामान देखते हैं हम हमारे पास टोटल क्या है। चेले तूने कुछ सामान उठाया कि नहीं? मेरे चेले ने तो कोई सामान नहीं उठाया, मेरा चेला नहीं है वैसे तो। तो गाइस अभी तो हम घर पे, ओ भाई इसको मारना, इसको मारने में जो आनंद है ना वो आनंद कहीं नहीं है भाई। कोई यार मारो ना इसको, बचेगा तो है नहीं भाई, ये इसकी जिंदगी मैं नहीं बचने दूंगा। कहाँ तक जाएगा भाई कहाँ तक, आई विल नॉट स्पेयर यू गाइस। एंडरमैन ये कुछ यार, ये बच के भाग जाते हैं, इस बात पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ओ आया आया आया, फिर से आ जा।
यार एंडरमैन कुछ भी नहीं देते, इन एंडरमैन को देखना पड़ेगा। एंडरपर्ल गाइज, एंडरपर्ल मिला है एक हमें, और तो कुछ नहीं मिला हमें। तो चलो अभी वापस से घर पे चलते हैं जल्दी से भागकर, फिर से मिल्खा को भगाना पड़ेगा। स्पीड में भागेगा मिल्खा, ये मिल्खा नहीं है वैसे तो, जब भी स्पीड में भागेगा, क्योंकि भागना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। घर कहाँ गया हमारा घर? गाइस घर दूर दूर से नहीं दिख रहा है, दूर दूर से दिखेगा जरूर, पर गाइस वो दिख गया हमारा घर वहां पर। जल्दी से चलते हैं अपने घर के पास, और क्या मजे करेंगे। ये गाइस मुझे मारने के लिए आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे भाग, ये आके मारेगा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा यार अंदर से, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मारेगा अभी मेरे को ऐसे, मतलब यार ज़ॉम्बी की तरह सामने हाथ करके आ रहा है। कहाँ तू? रुक वहीं रुक, वहीं रुक ज़ॉम्बी। यार ये ज़ॉम्बी है यार, इस ज़ॉम्बी को तो मैं देख लूंगा किसी ना किसी दिन, इसको तो मैं स्पेयर करूंगा नहीं। ओके हम अंदर चले जाते हैं। गाइस हमें काफ़ी सामान मिला है अभी तो, मैं दिखा रहा हूँ गाइस हमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या क्या सामान मिला है। अभी हमारे पास टोटली 9 डायमंड्स हो चुके हैं, और आयरन तो भाई है ही काफ़ी। ओए मान जा। सो गाइस आयरन इतना हो चुका है, गोल्ड इतना हो चुका है। ओए मान जा, और गोल्ड इतना, और सैडल्स हमारे पास टोटली 3 हो चुकी हैं, नहीं सैडल्स 4 है हमारे पास। आयरन आर्मर 2 हैं, गोल्ड आर्मर 3 हैं। कुछ ऐसा हिसाब है इसका। ओके हमारे पास ये सामान है, और एंडर पर्ल कुछ इतने हैं, ओनली वन गाइज ओनली वन, ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं पागलों की तरह। ओके और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। गाइस हड्डियाँ बहुत सारी हैं, हड्डियों की कोई कमी नहीं है, और ये स्ट्रिंग की भी कोई कमी नहीं है। TNT 9 है, बट यार गन पाउडर काफ़ी ज़्यादा है। गन पाउडर हमारे पास टोटली 38 हो चुका है, और यार ये पागल हो चुका है। इंचेंटेड बुक्स हमारे पास 3 है। गाइस मेन तो हमारे पास लॉयल्टी है, जो गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे सामान रख के आते हैं थोड़ा। तो गाइस देखो आज हमने क्या किया, कुछ नहीं किया आज हमने, बहुत कुछ किया वैसे तो, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। जा मैं बहुत मारता हूँ। आज हमने 2 डेजर्ट टेंपल्स को एक्सप्लोर किया, और वहाँ का सारा सामान लिया। सो गाइस हमें कुछ डायमंड्स मिले, कुछ गोल्ड मिला, कुछ आयरन मिला, और एंडर पर्ल भी मिला एंडरमैन की वजह से। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया करेंगे। और भाई अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है ना, तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। एम रखता हूँ यार 5 लाइक का, ज़्यादा लाइक का एम नहीं रखूँगा, जब भी 5 लाइक यार बहुत ज़्यादा है अभी तो। और यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यार हमें 100 सब्सक्राइबर्स का गोल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है तो यार सब्सक्राइब कर दो बस, और हम मिलेंगे अब यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा माइनक्राफ्ट के एडवेंचर्स का पार्ट 5।
और जब तक के लिए तो यार बाय बाय।